झांसी के खटीक समाज व अधिवक्ता संघ का एक प्रतिनिधिमंडल एक पीड़ित युवक के परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक जीआरपी कार्यालय पहुंचा। यहां उन्होंने बताया कि राम सिंह नामक युवक जो कि जूस की दुकान चलाता है, उक्त युवक को जीआरपी पुलिस ने फर्जी मोबाइल के मामले में फंसाया, जिसके पीछे जीआरपी के कुछ पुलिसकर्मियों का हाथ है। तत्पश्चात युवक को थाने बुलाकर अवैध रूप से रुपयों की मांग की गई। मांग पूरी ना होने पर युवक को गैंगस्टर के मुकदमे में गलत रूप से फंसाकर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक जीआरपी ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच कर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। नहीं, उसपे आश्वासन बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैंने यही दिया है, इस प्रकरण की जांच करा ली जाए और गठित अफसर इसकी जांच करेगा, जांच के बाद जो परिणाम आएगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। क्या नाम है? मेरा नाम सोहन खटीक है और हम लोग समाज का एक प्रतिनिधिमंडल आज एसएसपी रेलवे से मिलने के लिए आया। हमारे साथ अधिवक्ता संघ के भी काफ़ी पदाधिकारी गण हैं। क्या मामला है? एक्चुअली हमारे समाज का एक राम सिंह खटीक 2016 में जीआरपी पुलिस ने एक मोबाइल चोरी के केस में बंद कर दिया था। 4/11/4/7/18 को उसे झूठा गैंगस्टर गैंग की कार्रवाई कर दी। तो हमने एसएसपी साहब से एक निवेदन किया कि एक मोबाइल चोरी में और गैंगस्टर की कार्रवाई, ये तो अनुचित है, किस दबाव में किया गया है। अगर हमको एक हफ्ते में अगर न्याय नहीं मिला तो पूरी समाज धरना प्रदर्शन करेगी, कप्तान साहब के बैठेगी। उन्होंने कल का आश्वासन दिया उनके आईजी। किस मामले में आप आए? हमारे पति को गजक का काम कर दी थी, दुकान पे खड़े थे तो उनको उठा के लिया है सुबह 8 बजे सीपरी बाजार में, उनको आके थाने में बंद कर दिया। किस मामले में? प्रातः दर्पण न्यूज की खास रिपोर्ट।